कृषि विधेयक को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा ने भाजपा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा ने भारत के किसानों की आय दोगुनी करने के बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन आज वे किसानों की आय को छोड़कर मल्टीनेशनल कंपनियों की आय को दोगुनी क्या चार गुनी करने में लगे हैं। इसीलिए केंद्र की सरकार द्वारा कृषि विधेयक लाया गया है, जिसकी आड़ में किसानों का पूरी तरह से शोषण किया जाएगा। वहीं आम जनता को भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि भारतवर्ष के किसान केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा ने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियों को फायदा पहुँचाने के लिए कृषि विधेयक लाया गया है। भाजपा कृषि विधेयक की आड़ में किसानों के साथ धोखा कर रही है। यही कारण है कि देश के किसान आज केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विधेयक के चलते एनडीए के सहयोगी दल अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। यही कारण है कि पंजाब में अकाली दल ने भाजपा से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के आने से कृषकों से बड़ी बड़ी कंपनियां कम दामों में फसल खरीद कर उसे महंगे दामों में बेच कर कई गुना मुनाफा कराएंगी और किसान खड़ा पछताएगा। जो ये कृषि अधिनियम आए हैं, ये किसानों के अधिकारों पे कुठाराघात है। केंद्रीय सरकार ने बड़े बड़े बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए ये बिल लाई है। किसानों का कोई हित नहीं है, किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिलेगा और कम दाम पे खरीदी गई वस्तुएं मॉल में बड़े भारी दामों पे बिकेंगी। जो सरकार ये बात कहती थी कि किसानों का भला होगा, किसानों को फायदा मिलेगा, वो बिल्कुल झूठ है। किसानों को तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनियां बढ़िया बढ़िया खरीद लेंगी और बाकी किसान के गले डाल देंगी और किसान बेचारा उसको लेके कहाँ जाएगा। कीमत मिलेगी नहीं, सरकार खरीदेगी नहीं, मंडियां होंगी नहीं। एक छोटा सा किसान थोड़ा सा सामान लेके क्या दिल्ली चला जाएगा, बॉम्बे चला जाएगा अगर थोड़ा सा उसके पास रह गया है। बिजनेसमैन तो बड़े घराने तो अपनी मर्जी का सामान लेंगे, जैसा चाहिए वैसा लेंगे और दाम उनकी मर्जी का होगा और उसको वो स्टोर करके सारे का सारा अपने पास जमा कर लेंगे और पूरे साल धीरे 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 निकाल के दुगने तिगने चौगने पांचवें गुना मुनाफे पे लोगों को बेचेंगे। और इसी वजह से आज देश का सारा किसान परेशान है। जो ज़्यादा जहाँ पर किसान है, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जहाँ पर भी पूरे हिंदुस्तान में किसान है, वो चीख रहे हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं और पार्टियाँ जो एनडीए में शामिल थी अपना मुंह छिपाते फिर रही हैं, भाग रही हैं, किसानों को जवाब नहीं दे पा रही। अकाली दल ने किनारा किया मगर किसानों को कोई जवाब दे नहीं पा रहा। और पहले केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर जी इसका स्वागत कर रही थी और अब रिजाइन करने के बाद कह रही हैं कि हमें तो पूछा नहीं गया, हमसे राय नहीं लेगी। ये भी उनका दोहरा चेहरा है पार्टी का।